बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल असद इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज तंगी ऑनलाइन क्लासेस क्लास फोर्थ। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन, सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 2। द टॉपिक इज़ पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, पीपी के लंबे जुराबे। पीपी इज़ अ गर्ल, लुक एट द पिक्चर। पीपी एक लड़की है, लॉन्ग स्टॉकिंग उसके लंबे जुराबे। दरअसल स्टोरी एक लड़की पीपी के बारे में है। वर्ड्स टू नो, वर्ड्स टू नो में क्या है हमारे पास? ब्रेडेड प्लीटेड, ब्रेडेड मीन चुटिया, जो हम अपने बालों को बांधकर चुटिया बनाते हैं। कैनिबल, समवन हु ईट्स अदर पीपल। कैनिबल आदमखोर। करेज ब्रेवरी द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटेंस यू। फ्रिकल्स सम पैचेस ऑफ डार्कर कलर ऑन स्किन ऑफन मेड डार्कर बाय द सन। फ्रिकल्स चाहिया या दाग धब्बे वगैरह जो हमारे स्किन पर पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाग धब्बे वगैरह, भूरे रंग के दाग। रिमार्केबल समवन और समथिंग वॉट नोटिसिंग, गैर मामूली। साइड वॉक अ पेव्ड पाथवे एट द साइड ऑफ द रोड, फुटपाथ। स्टॉकिंग्स वेरी लॉन्ग सेक्स, लंबे जुराबे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। दरअसल ये स्टोरी एक लड़की पीपी के बारे में है, जो टॉमी और अनीका नामी बच्चों की गली में नई नई शिफ्ट हुई होती है और उन्हें पता नहीं होता क्यों, क्योंकि वो अपनी दादी के यहाँ गई होती है। इसलिए जब वो वापस आ जाती है तो उनकी मुलाकात पीपी से होती है, जो उनके लिए बहुत ही अनोखी और गैर मामूली होती है। इसलिए उनके दरमियान एक बहुत ही दिलचस्प मुकालमा भी होता है। सो अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे क्या होता है। व्हेन पीपी एंटर्ड विला विलिकुला फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पीपी पहली दफ़ा बंगला विलिकुला में दाखिल हुई। विला बंगला, विलेकोला दरअसल बंगले का नाम, विलेकोला है हमारे पास। इट वॉज़ अ लवली समर इवनिंग, ये गर्मी की एक सुहानी शाम थी, सुहानी खूबसूरत या प्यारी शाम थी। समर गर्मी की, प्यारी सुहानी लवली। इवनिंग शाम, द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर पड़ोस के बच्चे या पड़ोस में रहने वाले बच्चे। नेक्स्ट डोर यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल हुआ है? पड़ोस के लिए। टॉमी इज़ अ बॉय एंड अनीका इज़ अ गर्ल। वर नॉट एट होम, वो घर पर नहीं होते। दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते के लिए अपनी दादी से मिलने गए होते हैं। विजिट गए होते हैं मतलब अपनी दादी के घर, विजिट मतलब चक्कर लगाने गए होते हैं या हाल वगैरह पूछने, छुट्टियां मनाने, किसी भी सिचुएशन में। फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर, और इसलिए उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पड़ोस की गली में कोई मुंतकिल हुआ है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था, आइडिया अंदाज़ा,
एनीबडी कि कोई भी मूव्ड यहाँ पर आया है या शिफ्ट हुआ है। ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे कैम होम अगेन, दोबारा घर वापस आने के बाद दे स्टूड बाय द गेट, वो दरवाजे के पास खड़े होकर लुक्ड आउट ऑन टू द स्ट्रीट खड़े होकर गली में देख रहे थे। दे हैड नो आइडिया, उन्हें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर, इसलिए उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि सच में नज़दीक ही केल का एक साथी मौजूद है। प्लेमेट केल का साथी, जो कि केल कूद में आपका साथी होता है। नियर नज़दीक या करीब, दे वॉज स्टैंडिंग दियर कंसिडरिंग, वो वहाँ खड़े गौर कर रहे थे। कंसिडरिंग गौर करना, व्हाट दे शुड डू एंड वंडरिंग वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन, वो वहाँ खड़े होकर गौर कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और हैरान हो रहे थे कि आया किसी अच्छी बात के होने का कोई इम्कान है, और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, और या ये भी उन उत्ताहट भरे दिनों में से एक होगा। डल डेज, उकताहट भरे दिन, जिस दिनों में इंसान बहुत तंग हो जाता है। डल, उकताहट भरे। इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज व्हेन दे कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले, जब वो किसी खेल के बारे में नहीं सोच सकते थे। एंड जस्ट देन, और उसी वक्त, द गेट ऑफ विला विलिकुला ओपन, बंगला विलिकुला का दरवाज़ा खुला, ओपन खुला, एंड अ लिटल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक नन्ही सी लड़की बाहर आई। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड अनीका हैड एवर सीन, टॉमी और अनीका की नज़र में आने वाली अब तक की सबसे गैर मामूली या अनोखी लड़की थी। रिमार्केबल, गैर मामूली, शी वॉज मिस पिपी, वो मिस पिपी थी, लॉ मिस पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग थी, आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, जो सुबह की सैर के लिए बाहर आई थी। मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर। दिस इज द वे शी लुक्ड, वो दिखने में ऐसी थी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड लक।